नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जेबी स्टडी पॉइंट के चैनल पर। फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री इतिहास का ये थ्योरी क्लास दो है। देखो, हमने पहली क्लास में पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जो काल थे उसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मानव का इतिहास। तो सारी क्लास ये बिल्कुल गहराई में है, ठीक है, और नया बैच हमने शुरू कर दिया है और ये नया बैच की दूसरी क्लास है दोस्तों। ये भी साथ में नेट जरफ आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे कोर्स का डेमो लेना है तो जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ आपको टेस्ट के डेमो मिलेंगे, क्लास के डेमो मिलेंगे, पेपर फर्स्ट डेमो मिलेंगे, ठीक है। जेबी स्टडी पॉइंट का हमारा चैनल बना हुआ है, सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। अंजू अनिता कुमारी जी, अंजू बीरबल जी, मीना कुमारी जी, सोने लोहिया जी, इंसुक जी, सचिन कुमार जी, राजेंद्र कौर जी, आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। तो हमारे कोर्स 6 महीने का कोर्स नेट हिस्ट्री प्लस पेपर वन 3000 रुपये का है, 1 साल का नेट हिस्ट्री प्लस पेपर वन 4000 रुपये का है और लाइफ टाइम के लिए 5000 रुपये का कोर्स है। अगर दोस्तों कोई टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है 50,000 सवालों की तो 999 रुपये में है, ठीक है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए लगाना चाहते हैं तो 499 रुपये का कोर्स है। तो सब स्वागत करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ा था, जिसमें हमने अजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक इन जो है इरा को पढ़ा था, फिर कल्प को पढ़ा था, फिर युग को पढ़ा था, ठीक है, इनमें क्या क्या हुआ सब कुछ पढ़ा था, कितने काल का है सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो दोस्तों, हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम नेट हिस्ट्री या आईएएस लेवल का हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ बड़े लेवल, कुछ अलग तरीके का इतिहास पढ़ते हैं, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल इस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, और तीसरे पार्ट को बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। ऐतिहासिक काल ये 3 पार्ट हैं जो हम थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं, अदरवाइज इतिहास को जैसे कि कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। ये भारत का इतिहास हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों विश्व का भी लेते हैं इसमें और भारत का भी लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक में हम जो पढ़ाएंगे वो पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ाएंगे मानव का विकास, ठीक है, और तीसरा पार्ट होगा इसका पाषाण काल, पाषाण काल। तो पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास में हम आपको मानव का विकास पढ़ाएंगे, फिर तीसरी जो क्लास होगी वो पाषाण काल की होगी। आज ऐतिहासिक में क्या पढ़ा जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, और वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है। और तीसरे जो काल होगा उसमें महाजनपद काल से शुरू होगा, यानी कि 600 ईसा पूर्व से जिस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनको पढ़ा गया है उसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। जिस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनको नहीं पढ़ा गया है उसको आद ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव का विकास। तो फ्रेंड देखो, मानव
जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, मानव ने जो सबसे पहले सबे पिथेकस मानव हुआ, उसके बाद में जो है आपका रामा पिथेकस हुआ, ठीक है। तो उस तरीके से हम बिल्कुल चित्र बाय चित्र बताएंगे, थ्योरी बाय थ्योरी बताएंगे, ठीक है। सुबोध जी वेलकम, रियाज जी वेलकम। तो देखो सीओ जो सेनोजोइक जो काल है उसके तीसरे काल में और मायोसीन, यहाँ से जो है होमोनिड का विकास होता है, ठीक है। होमोनिड का फिर प्लास्टिन पढ़ेंगे, फिर क्लिस्टन पढ़ेंगे। तो देखो धीरे धीरे देखो छोटे छोटे जीव जंतुओं ने उगना शुरू किया था, फिर घास ने, धीरे धीरे सांप, केंचुआ, मछली, ठीक है, फिर बैल, फिर जो है मेंढक, मेंढक से कुछ ऐसे करके मानव, ये आधुनिक मानव बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बानर कभी था, फिर जो गुरिल्ला बना, फिर कुछ और बना, फिर जो है ये आधुनिक मानव बन गया है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, साईबाजी गुड इवनिंग वेलकम। मानव का विकास, तो फ्रेंड्स मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो सेनोजोइक महाकल्प में हुई है, तीसरा कल्प है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं मायोसीन या प्लियोसीन, प्लियोसीन कह सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लियोसीन युग, ठीक है। सबसे पहले बानर क्या था, कपी था, फिर लंगूर ने उसका रूप लिया, फिर गोरिल्ला, फिर औरंगतन, फिर चिंपैंजी, ठीक है। तो इस तरीके से मानव का विकास हुआ है। तो आइए किस तरीके से हुआ है, देखो सबसे पहले मानव बानर या कपी का जो जन्म हुआ है वो अफ्रीका के जंगलों में हुआ है, ठीक है, अफ्रीका के केन्या के आसपास में हुआ है। तो सेवे पिथेकस नाम से, या फिर उसको जो है दूसरा जो उसका जन्म हुआ उसको बोला गया है रामा पिथेकस, ठीक है। रामा पिथेकस जो तो चारों पैरों पर चलता था, ठीक है, आप देख सकते चित्र में चारों पैरों पर वो चलता था, ठीक है। रामा पिथेकस की जो छोरी दी है वो डार्विन ने दी है, ठीक है, अपने सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीच में, उसकी किताब है, उसने कहा है कि अफ्रीका के जंगलों से लगभग 25 से 30 लाख वर्ष पूर्व रामा पिथेकस का उदय हुआ था। और रामा पिथेकस ने धीरे धीरे जो है उसका माइंड डेवलप हुआ थोड़ा बहुत, तो उन्होंने जंगलों से निकलकर कुछ ने मैदान भाग में निकल गए और कुछों ने जंगल में रहना पसंद किया, ठीक है। जो जंगल में रहे दोस्तों ध्यान से समझना, जो रामा पिथेकस प्रजाति जो जनजाति थी, ठीक है, जैसे कि ये वाला, तो वो कहलाए महाकपि, यानी कि जो जंगल में ही रहे, जिन्होंने आगे बढ़ना पसंद किया नहीं किया, जिन्होंने अपने खुद को बढ़ना बदलना पसंद नहीं किया, वो महाकपि कहलाए, ठीक है। और जो जंगलों से निकलकर मैदानों में निकल गए उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो मैदानों में निकल गए, जिन्होंने वर्तमान जो वातावरण था उसे सर्वाइव करने के लिए ठाना, उसमें बदलाव करने ठाना, उसके तहत चलने के लिए ठाना, तो वो कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ठीक है। तो यही जो है हमारे जो वर्तमान मानव है उसका आदि पूर्वज है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अजय जी वेलकम आपका, ठीक है। तो यही रामापिथेकस है। रामापिथेकस भारत में शिवालिक की पहाड़ियों पर 1932 में एल्विन सिमल्स नामक विद्वान ने केवल जबड़े खोजे थे, याद रखिएगा जबड़े खोजे थे। आधुनिक मानव का ये पहला पूर्वज है, ठीक है, इसे सिवेपिथेकस भी कहा जाता है। तो मैं थोड़ा ओवर भी बताऊंगा, फिर लास्ट में इसकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है अफ्रीकन्स में, ठीक है, प्रंथोकोर्पस, वेसल, रोबोस्टस, होमो हैबिल्स, रोडोल्फस, होमो इरेक्टस, ठीक है, हेडलवर्ग, होमो रोहोडेंसिस, नियंडरथल मानव, होमो स्पीसीज सेपियंस, ये दोस्तों आधुनिक मानव है, ठीक है। आपको जो भी हमारे कोर्स में सबको इसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से दोस्तों थोड़ी से अच्छी तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। शिवाजी वेलकम, ये भी एक स्लाइड है,
और देखो ये अफ्रीका के जंगल हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ केन्या में जो है इनका उदय हुआ। ठीक है, थोड़ी सी दोस्तों ओवरव्यू पढ़ते हैं। मानव भूवैज्ञानिक इतिहास के अंतिम महाकल्प नूतन जीव या सेनोजोइक महाकल्प के चतुर्थ चरण में रहा था। मानव इसे क्वाटरनरी कहा जाता है। इसके तीन युग हैं, जैसे कि अति नूतन इसको बोलते हैं हम प्लियोसीन। इसका जो दोस्तों समय था वो 1 करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व था। अत्यंत नूतन प्लीस्टोसीन 20 लाख वर्ष था। ठीक है, नूतन होलोसीन 10,000 वर्ष पहले था। संदीप जी वेलकम आपका। अत्यंत नूतन युग या प्लीस्टोन युग में तीन बड़े बड़े स्तनधारी परिवार का जन्म हुआ। ये आधुनिक घोड़े हाथी मवेशियों के पूर्वज थे। इन पशु प्रारूपों को सामूहिक रूप से बिला फ्रांसी जंतु समूह कहा जाता है। थोड़ी सी है बस, इसके बाद हम शुरू करेंगे। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व महाकपि का एक समूह जो रामापिथेकस के नाम से जाना जाता था, वह दो समूह में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहला समूह वही जो जंगलों में रहा जो महाकवि कहलाया, और दूसरा समूह जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया वो मैदानों में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल कह सकते हैं आप सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूं मैं। इसकी एक शाखा जंगलों में रह गई। देखो दोस्तों मैं लिखा हुआ इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्लास कर ली भूल गए। ठीक है, तो जो भी हमारे कोर्स में है उनको पीडीएफ मिलेगी इसकी, कि भाई अगर भूल जाते हैं तो पीडीएफ से उसको उनको याद आ जाएगा। तो इसकी रामापिथेकस की एक शाखा जंगल में रह गई, परंतु दूसरी शाखा ने खुले घास के मैदान में रहना पसंद किया और इसको ही रामापिथेकस के नाम से जाना जाने लगा। यह मानव का आदि पूर्वज था। ठीक है, आगे चलकर इसे इरेक्टस, नियंडरथल, क्रोमेग्नान और अंत में 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस सेपियंस का विकास हुआ। इससे ही भारत में आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उसका जबड़ा प्राप्त होता है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत पत्थर के औजारों से मिलते हैं, जिनका काल लगभग 5 लाख से 2.5 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। किंतु हाल ही में बोरी नामक, दोस्तों ये नेट में एग्जाम में आ चुका है सवाल, किंतु हाल में बोरी नामक स्थान पर मानव की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। ये नेट के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए दोस्तों मैं इस थ्योरी को लाया हूँ छोटी सी को। देखो जब मानव का उदय हुआ, स्तनधारी का उदय हुआ, वो कल्प था सेनोजोइक महाकल्प। ठीक है, सेनोजोइक काल में स्तनधारी उत्पन्न हुए। ठीक है, फिर पैलियोसीन लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले का काल था, इओसीन लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले का काल था, ओलिगोसीन लगभग 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले का था, मायोसीन 2 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले का था। ठीक है, और प्लायोसीन 1 करोड़ 20 लाख और प्लीस्टोसीन 30 लाख वर्ष। इसे नियोजोइक काल भी कहा जाता है, तो इसमें प्रजातियों का उदय हुआ। ठीक है, मानव प्रजाति का उदय। होलोसीन 10 लाख वर्ष पहले, समस्त लिखित इतिहास होलोसीन युग का है। ठीक है, परंतु उसको दोस्तों तो पढ़ा नहीं गया अभी तक। लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट जाति का उत्पन्न हुई। लगभग 2,50,000 वर्ष पहले होमिनाइड प्रजाति विकसित हुई। होमिनाइड का विकास प्राइमेट से हुआ। होमिनाइड में बानर कपी साबित हुई। यही वो बानर कपी थे जिनसे रामापिथेकस का उदय हुआ। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्रजाति विकसित हुई। दोस्तों तो होमिनिडों की क्या विशेषता थी? ये सीधे खड़े होकर चलते थे। इनका मस्तिष्क जो था वो बड़ा था कुछ। ठीक है, ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। मानव की उत्पत्ति हुई उसी में। ऑस्ट्रलोपिथेकस खुले मैदान में रहते थे उस समय। ऑस्ट्रल शब्द का अर्थ दक्षिण, पिथेकस शब्द का अर्थ बानर होता है।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लाइसीन काल के हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज 1959 में तंजानिया स्थित ओल्डू वाई गोर्ज नामक स्थान से हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए और दांत छोटे थे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बिल्कुल ओरिजिनल क्लास को, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक तो मैंने थोड़ा सा ओवर भी बताया, अब हम चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, इसको हम दोस्तों मनुष्य का आदि पूर्वज भी कहते हैं, ठीक है, मनुष्य का आदि पूर्वज बोलते हैं रामापिथेकस के बाद, ठीक है। और देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थी उसके बाद में होमो प्रजाति का विकास होता है, ठीक है। सबसे पहली जो प्रजाति थी वो थी होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस। ये इसका जो काल था दोस्तों वो था 15 से 20 लाख, याद रखिएगा, ठीक है, 15 से 20 लाख वर्ष पहले का था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसको रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टैगा क्षेत्र से जीवाश्म की खोज की थी, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। होमो हैबिलिस के बाद में हाइडलबर्ग, ठीक है, हाइडलबर्ग, फिर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जो काल है, ठीक है दोस्तों, होमो इरेक्टस का जो काल है वो 5 से 15 लाख वर्ष पूर्व का है, ठीक है। होमो इरेक्टस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, पहले का नाम था जावा मानव और दूसरे का नाम था पिकिंग मानव। दोस्तों बहुत बेहतरीन, बहुत मेहनत करके बनाई है ये, ठीक है। जो जावा मानव था उसका काल था 5 से 15 लाख, 5 से 15 लाख वर्ष पहले, ठीक है। इसको जो नाम दिया ड्यूवान ने दिया, ड्यूवान ने इसको जावा मानव कहा। और होमो इरेक्टस की तो दूसरी जाति थी पिकिंग मानव, उसका काल दोस्तों लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व था, ठीक है। अब क्या हुआ, होमो इरेक्टस दोस्तों, होमो इरेक्टस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जावा और पिकिंग। और होमो इरेक्टस की थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लोगों ने समय के साथ में बदलना शुरू किया, तो वो बन गए नियंडरथल मानव, ठीक है। क्या बन गए दोस्तों, नियंडरथल मानव। इनका जो काल था वो 35,000 से लेकर 1.5 लाख वर्ष पूर्व था, ठीक है। अर्जुन जी वेलकम। 35,000 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व था नेंडरथल मानव की दोस्तों अंत हो गया। फिर इसका उदय हुआ क्रोमेगनन मानव का उदय हुआ, आद ऐतिहासिक मानव बोलते हैं इसको, क्रोमेगनन मानव का उदय हुआ। और जो नियंडरथल मानव था तो ये गुफा में रहता था, ठीक है, गुफा में। क्रोमेगनन जो मानव था वो लगभग 25,000 वर्ष पहले था, 25,000 वर्ष पहले था, ठीक है। क्रोमेगनन मानव से होमो सेपियंस यानी कि वर्तमान मानव का उदय होता है, ठीक है, वर्तमान मानव का उदय, आधुनिक मानव कह सकते हैं इसको। तो ये आपको बहुत कम मिलता है ऐसा, ठीक है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस से होमो सेपियंस सेपियंस का उदय हुआ, ठीक है। तो इसको आज हम विस्तार से जानेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखो दोस्तों ये इसका चित्र है, ये जो महिला है पता नहीं पुरुष है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और दोस्तों ऐसे देख रही है जैसे इनको कुछ मिला नहीं है, ठीक है, यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, चार पैरों पर चलते थे ये, ठीक है। और जब उन्होंने मैदानी भाग में प्रवेश किया तो इनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ, ठीक है। अब देखो होमो प्रजाति का विकास किस तरीके से हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस का उदय हुआ, ठीक है। और ये
होकर चलने वाला प्राणी था। ठीक है दोस्तों, खड़े होकर चलने वाला प्राणी था। होमो श्रृंखला की शुरुआत जो है किसी से होती है, याद रखिएगा। जो होमो श्रृंखला थी इसकी जो शुरुआत होती है वो होमो हैबिलिस से होती है। यह पहला मनुष्य था जिसने अपने आसपास की लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों को इकट्ठा कर हथियार बनाया, याद रखिएगा। ठीक है, इसने हाथ का प्रयोग हथियार उठाने में करना शुरू किया, क्योंकि दोस्तों जब रामा पृथ्वीगत मानव था ये, तब चारों पैरों पर चलता था। परंतु उसने अब समय के साथ में जब इसको भूख लगी तो इसने आगे वाले जो जो पैर थे उनको हाथ बना लिया। तो आगे वाले जो पैर थे उसको इसने हाथ बना लिया, हाथ का प्रयोग हथियार उठाने में करने लगा। ठीक है, होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले प्राणी बोलते हैं इनको, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट है, होमो हैबिलिस को औजार बनाने वाले। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर से प्राप्त किए गए हैं। इन्हें औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नेट हिस्ट्री में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट बड़ा बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, जो भी क्लास करेंगे वो दोस्तों बिल्कुल कह मैं कह सकते वारंटी से उनको कामयाबी जरूर मिलेगी, बहुत मेहनत करके बनाया है। इसके बाद में जो होमो हाइडलबर्ग थी, ठीक है, दूसरी प्रजाति कौन सी थी? होमो हाइडलबर्ग, आप देख सकते हैं इसका चित्र भी है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो यूरोप में हुई। होमो हाइडलबर्ग यह प्रजाति 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक थी। जर्मनी के हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों से, ठीक है, जर्मनी के हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गिस कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों जो जिस तरीके से हमने चित्र बनाया था, ठीक है, तो अब तीसरा जो पार्ट था वो था होमो इरेक्टस। होमो प्रजाति है, इरेक्टस मानव है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, जावा मानव प्रथम बार आपकी खोज की गई, याद रखिएगा, जावा मानव ने प्रथम बार आपकी खोज की, इंपोर्टेंट है। या कह सकते हैं दोस्तों निम्न पाषाण काल में आ गए हम। जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे इसके अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ये नरभक्षी था, तो कच्चा मांस खाता था ये। ठीक है, पिकिंग मानव चीन में है, पिकिंग आग का इसने नियमित प्रयोग किया। विजिंग से 40 अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। हाथ का खुलकर प्रयोग करता था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जावा मानव है। ठीक है, इसने आग का जो है शुरुआत की और पिकिंग मानव भी ये बन गया जब इसने लगातार आग का प्रयोग किया। होमो इरेक्टस, ठीक है, सीधे खड़े होकर चलने वाला, इन्हें पिथेक्रैंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा जाता है। यह प्रजाति 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई। पिथेक्रैंथ्रोपस का अर्थ है सीधे चलने वाला कपी मानव। ठीक, तो समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। पिथेक्रैंथ्रोपस पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए, यानी कि दोस्तों देखो रामा पिथेकस क्या हुआ, जंगलों से बाहर आए, और जो होमो इरेक्टस थे ये जो है अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे बाहर आए। जावा इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों, और पिकिंग जो है वो चीन में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका से बाहर आए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं, ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है,
फोरा मोड़ जाकोर्तो संगीरन पश्चिमी तुर्काना केन्या जावा पिकिंग आदि स्थानों पर इनके जो साक्ष्य पाए गए हैं। अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम जाति होमो इरेक्टस थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में परवर्ती काल के हैं। ठीक है, अब तो जावा और पिकिंग मानव के बाद में नियंडरथल मानव का उदय होता है। ठीक है, नियंडरथल मानव का जो 35,000 से लगभग 1.5 लाख साल पहले रहते थे। नियंडरथल मानव 1856 में थ्यूहाराट महोदय ने जर्मनी की नियंडरथल नदी से पहले जीवाश्म की खोज की। ठीक है, पहला सांस्कृतिक मानव या कह सकते हैं शवों को दफनाने वाला मानव, ये भी नेट के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप इससे बाहर नहीं आने वाला नेट का। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। पहला सांस्कृतिक मानव है ये, इसने आग का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया। ठीक है, इसे अक्षर भाषा का ज्ञान था, यानी कि पता इनको ही पता है वो क्या लिखते थे, यानी कि इन्होंने जो है दीवारों पर कुछ लिखना शुरू किया, पता नहीं आज भी नहीं पता अभी क्या लिखा होगा उन्होंने, परंतु लिखना शुरू किया। मृतकों को दफनाता था। ठीक है, दफनाने की शुरुआत नियंडरथल मानव ने शुरू की और आत्मा की अमरता तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। ठीक है दोस्तों, होमो नियंडरथल होमो तो जात प्रजाति है, नियंडरथल मानव है। यह प्रजाति 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक थी। ठीक है, जर्मनी की नियंडरथल घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथल कहा गया है। समाधान की शुरुआत नियंडरथल मानव ने की थी। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्ग और होमो नियंडरथल प्रजाति के हैं। ये दोनों होमो सेपियंस आदि प्रजाति के मानव हैं। राजेंद्र कौर जी कह रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पहली बार बताने की शुरुआत किसने की, तो नियंडरथल मानव ने की। ठीक है, प्रश्न आते हैं, पहला औजार बनाने वाला मानव कौन सा है। ठीक है शिल्पी जी, वेलकम आपका। उसके बाद में देखो दोस्तों, नियंडरथल मानव का एक चित्र है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बदलाव आया इसमें। ठीक है, शायद इसने नहाना धोना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों जय महाकाल की, ये कुछ ऐसा रूप है। ठीक है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं और इसने दोस्तों टंग ढकना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसको बोला गया है क्रोमेग्नान मानव, होमो प्रजाति का सेपियंस फॉसिल्स जीवाश्म। ठीक है, क्रोमेग्नान मानव कह सकते हैं इसका दिमाग जो है वो तेज चलता था, इसको पहला पूर्ण मानव कहा गया है। याद रखिएगा ये सवाल बनता है एमसीक्यू में, पहला पूर्ण मानव कौन सा था, क्रोमेग्नान मानव। ठीक है, शिल्पी जी कह रहे हैं सबसे पुराना होमो सेपियंस, सबसे पुराना नहीं सबसे नया है होमो सेपियंस, सबसे नया है होमो सेपियंस, सेपियंस जो सबसे नया है। अगर पुराने की बात करें तो हैबिशियंस, ठीक है, सबसे पुराना है, और उससे भी पुराने की बात करें प्रजाति की तो रामापिथेकस है। कपाल क्षमता आधुनिक मनुष्य से अधिक थी, तो ये बोलते हैं कपाल क्षमता का मतलब है हिप। ठीक है, फिर बोलते हैं इनको, इसने स्थायी निवास बनाकर है शुरू कर दिया, यानी कि ये नव पाषाण काल तक आ चुका है। ठीक है, नव पाषाण काल तक खेती करना प्रारंभ कर दिया। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जब नव पाषाण काल पढ़ते हैं तो क्रोमेग्नान मानव था उस समय, खेती करना शुरू किया, परिवार बनाना शुरू किया, निवास जो स्थायी निवास बनाना शुरू किया, पालतू पशुओं को करना शुरू किया। ठीक है, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया था, इसने पहिए का आविष्कार कर लिया था।
और नाम बनाना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों क्लास होगी। ठीक है, होमोसेपियंस या प्राक या चिंतनशील मानव, ये दोस्तों अपने दिमाग को के माध्यम से कुछ बहुत कुछ करता था, बुद्धिमान मानव था ये। ठीक है, होमोसेपियंस बुद्धिमान मानव के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल लिनियस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में, द्वारा किया गया है। अगर दोस्तों सवाल आए कि बुद्धिमान व्यक्ति, होमोसेपियंस को बुद्धिमान व्यक्ति किसने कहा, तो कार्ल लिनियस ने कहा। ठीक है, इसके बाद में सबसे लास्ट की प्रजाति आती है होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस सेपियंस बिल्कुल आधुनिक मानव है, ये कह सकते हैं वर्तमान मानव है। ठीक है, वर्तमान मानव यही आधुनिक मानव है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस यह प्रजाति वर्तमान मानव प्रजाति है जो लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। इनकी ही दो विशेषताएं थी, पहला उभरी हुई ठोड़ी का विकास हुआ, खोपड़ी का पश्चिम भाग गोलाकार हुआ। ठीक है, जो देखो इसका उभरी हुई ठोड़ी थी इसकी, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो गोलाकार हुआ। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या से मिला है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय होमो हैबिलिस प्रजाति को दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो पूजा कुमारी जी, गुड इवनिंग, वेलकम। कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिलता है ऐप पर, मिल जाएगा मिल जाएगा, अभी अपलोड नहीं किया शुरू हुआ। तो देखो कुछ पत्थरों के औजार बनाए शुरू हुए। ठीक है, जब वो धीरे धीरे इन्होंने वर्तमान से जो जो वातावरण था उसके साथ में सामंजस्य बैठाया। ठीक है, और पशुओं को मारने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पशुओं को मारना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, पत्थरों का आविष्कार किया। और जब पत्थर से पत्थर टकराया तो आग का आविष्कार हुआ, वो पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। ठीक है, आग का जो आविष्कार हुआ दोस्तों वो चकमक नामक पत्थर से हुआ था। ठीक है, रखिएगा चकमक, चकमक नामक पत्थर से हुआ। ठीक है, तो पाषाण कालीन मानव ने हाथ की कुल्हाड़ी बनाई थी, कुछ ऐसे करके छील छील कर, फिर तो इससे छीला, फिर और छीला, फिर और छीला, फिर दोस्तों इस तरीके से कुल्हाड़ी बनाई। ठीक है, जब पीडीएफ मिलेगी तो साफ दिखाई देगा, शायद अब साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। आर्ट्स 312 कह रही है, क्लास बहुत बहुत ही मजेदार है सर, इसका पीडीएफ मिलेगा। देखो दोस्तों पीडीएफ जो मिलेगा वो केवल हमारे जो कोर्स लेंगे उनको मिलेगा। ठीक है, जो हमारे कोर्स में है सभी को नहीं मिलेगा। दोस्तों देखो जो पाषाण उपकरण बनाए तो उनका कुछ चरण था, तो किस तरीके से, ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो एक प्रकार था ओल्ड वन प्रकार, ये जो औजार थे उनका प्रकार है। दूसरा प्रकार था एवी वेली प्रकार, तीसरा था एसुली प्रकार, और चौथा था इलेक्ट्रोनियन प्रकार, पांचवा लेबोल वाई। दोस्तों ये नेट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फ्रांस में पड़ता है। छठा माइको क्यूइन प्रकार, और सातवां है मुस्तारी प्रकार के पत्थर। दोस्तों ये सब पत्थर के प्रकार थे, इनकी पत्थर के जो औजार बनाए मानव ने उनके प्रकार थे। क्या अब पढ़ते हैं ओल्ड ओवान के बारे में। ओल्ड ओवान इसे मोड फर्स्ट भी कहा जाता है, यह होमो हैबिलस से संबंधित संस्कृति है।
इसकी खोज तंजानिया स्थित ओल्डुवाई गर्ज से लुई लीके ने 1930 के दशक में की। इसका काल 26 लाख से 70 लाख वर्ष पहले का है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है औजार का उसका नाम है एबी वेली प्रकार। यह यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति है, लेकिन यह यूरोप तक सीमित रही। इसका काल 6 लाख से 4 लाख वर्ष पहले का है। इसके हस्त कुठार यानी जो कुल्हाड़ियां थी, लंबे चौड़े भारी भरकम बेडोल होते थे। इसे तैयार करने के लिए गहरे प्राथमिक सलकों की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी। तीसरा जो प्रकार था उसका नाम था एसुली या एसुलियन, तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था वो किस तरीके के औजार प्रयोग करता था। ठीक है, तो नाम हो जाएगा उसका एसुलियन प्रकार का औजार। इसे मोड सेकंड भी कहा जाता है। फ्रांस के सेंट एसुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम एसुली रखा गया। पाषाण औजार संस्कृत संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसकी विशेषता क्या थी? नकार थे और नाशपाती के आकार का हस्त कुठार था, यानी इस तरीके का दोस्तों ये कुल्हाड़ी थी। इसका काल 17 से 1.5 लाख वर्ष पहले का है, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल का है। ठीक है, यह हस्त कुठार काफी छोटे और सुडौल होते थे। इन्हें तैयार करने में अनेक बार द्युतक सल्क उतारे जाते थे। सल्क माना दोस्तों छीलना, क्योंकि दो दो बार छीलते थे उसको, तथा किनारों का व्यापक परिष्कार किया जाता था। भारत में एसुलिन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, याद आया दोस्तों, 1863 में। ठीक है, रॉबर्ट जॉन फ्रूट्स, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवरम और उनके दोस्त ने अतिरपक्कम में एक हस्त कुठार प्राप्त किया था। वो एसुलिन प्रकार के औजार थे, अतिरपक्कम से प्राप्त हुए, इसलिए से मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रास संस्कृति नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था। दोस्तों याद आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, ये नेट एग्जाम में ज्यों का त्यों आते हैं। चौथा जो प्रकार था उसका नाम था क्लैक्टोनियन। इसके औजार होमो हाइडलबर्ग से संबंधित हैं। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। क्लैक्टोनियन संस्कृति संभवत एसुरी संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। इसके बाद में पांचवा जो प्रकार है वो है लेवोलवाई। ये नेट के एग्जाम में आ चुका है, नेट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लेवोलवाई पेरिस के पास एक स्थान है जहां से फ्लिंट पत्थरों, फ्लिंट दोस्तों एक पत्थर का प्रकार है, फ्लिंट पत्थरों के पाषाण कालीन औजार मिले हैं। लेवोलवाई पत्थरों से सल्क उतारने की विधि है। ठीक है, तो जो छीलते हैं पत्थरों को उसकी विधि को भी जो है लेवोलवाई कहा गया है, जो मध्य प्लेस्टोसीन काल की है। यह पाषाण औजार संस्कृति 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले की है। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के औजार लेवोलवाई तकनीक के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तमिलनाडु में अतिरपक्कम, महाराष्ट्र में निवासा से भी इस तरह के औजार प्राप्त हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। छठा जो प्रकार है दोस्तों पत्थर का औजारों का उसका नाम है माइकोक्यूइन। इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के ला माइको स्थल से हुई है। इसका समय 1,30,000 से 60,000 वर्ष पहले का है। इसकी खोज ऑटो हॉसर ने की थी। सातवां जो प्रकार है दोस्तों औजारों का वह है मुस्तारी। ये नियंडथल मानव के पाषाण औजार की संस्कृति है। ठीक है, तो 1,60,000 से 40,000 वर्ष पहले की है। यह मध्य पुरापाषाण काल का समय है, इंपोर्टेंट है ये दोस्तों। ठीक है,
का दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, मानव का उद्भव एवं विकास, क्योंकि अब दोस्तों हमने मोटा मोटा पढ़ाया था, अब उसको छोरी टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिनको पीडीएफ मिलेगी दोस्तों वो आराम से देख पाएंगे। पुरातत्व में मानव की सबसे मान्य परिभाषा यही है कि उसे औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। तो इम्पोर्टेंट सॉरी होगी हमारी, इम्पोर्टेंट हमारी क्लास होगी, क्योंकि प्रारंभ के में इनके अधिकांश पाषाण औजार क्वार्टजाइट के बने थे, इसलिए इस मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया है। मानव का उद्भव प्रति नूतन काल में हुआ। अभी तक जो भी प्रातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि मानव की आद जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा निकटतम आदि पूर्वज है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। केन्या के ओल्दुवाई गोर्ज के तुर्काना झील लेक रुडोल्फ ने इसके जीवाश्म मिले हैं जो 48 लाख वर्ष पुरानी है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव है, वह पहला होमिनिड था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सवाल आता है कि पहला होमिनिड कौन था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। उसे प्रोटो मानव या आदि मानव भी कहा जाता है, वह आधा नर और आधा वानर था, ठीक है। इथियोपिया से 32 लाख पुरानी शिशु कन्या लूसी के अवशेष मिले थे। वर्तमान मानवों को होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, जैसे कि होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस। होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ते थोड़ा सा, इसको प्रथम मानव कारीगर मानव भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, इसे हाथों का उपयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस ने सर्वप्रथम पत्थर के इंडेक्स बनाए तथा अग्नि का आविष्कार करने वाला यही था। कर्नूल जिले की गुफाओं से अग्नि के जो चिन्ह मिले हैं वो हेमे इरेक्टस ग्रंथ इसी के ही हैं। इरेक्टस को पिथे ग्रंथोपस भी कहा जाता है। इसका अर्थ सीधा चलने वाला कपी मानव होता है। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण था। ये अफ्रीका से लेकर चीन के चाकुतियान तक फैले थे। अग्नि का प्रयोग मानव इतिहास में असीम महत्व की घटना है। संपूर्ण प्राणी जगत में एकमात्र मनुष्य ही रहता और प्रयोग करता है, अन्य प्राणी उससे केवल डरते हैं। दोस्तों देखो, मानव जो प्रजाति हुई उनमें भी थोड़ा थोड़ा कहते हैं डिवाइडेशन हुआ, ठीक है। मानव की जो प्रजाति थी, ठीक है, मानव की प्रजाति, उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम धन करते हैं। मानव की प्रजाति कैस्पियन सागर से फैली, कैस्पियन सागर से फैलने लगी, ठीक है। तो कैस्पियन सागर से दक्षिण की तरफ चली जो प्रजाति वो कहलाई काली, काली या निग्रो, निग्रो जाति प्रजाति, ठीक है। और जो दोस्तों उत्तर या पूर्व की ओर गई, उत्तर या पूर्व की ओर गई वो कहलाई मंगोलाइड, ठीक है। और जो पश्चिम की ओर गई वो कहलाई दोस्तों गोरी जाति, ठीक है। रोमर, रोमर एक दोस्तों एक विद्वान है रोमर, उसने भी प्रजातियों का अध्ययन किया है। रोमर ने उसने कहा है पहली जो प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलाइड,
ऑस्ट्रेलाइड, इसने ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया। दूसरी प्रजाति उसने बताई, और यही प्रजाति अफ्रीका में बुशमैन, अफ्रीका में तो बुशमैन। दूसरी प्रजाति थी मंगोलाइड, ठीक है। तीसरी थी निग्रोलाइड, और चौथी थी काकेसाइड। तो फ्रेंड्स ये थी क्लास, ठीक है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।